इंडिया दैट इज भारत कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल वन में। किसके आर्टिकल वन में? हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल वन में। तो इस पे क्या बहस बनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इस पे भी बहस हो रही है। और बहस क्यों हो रही है? ये जो स्पेशल सत्र जो बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, इसके इनविटेशन कार्ड पे लिख दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और मच गया घमासान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड ओपिनियन में। और आज हम करने जा रहे हैं एक रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए। दरअसल में ये एक अटकल लगाई जा रही है कि जो है भारत का नाम बदल के भारत किया जा रहा है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा अलग सा साउंड कर रहा है, मतलब इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। इसमें अलग अलग विचार हैं सबके। अब कोई अंग्रेजी का जानकार हो तो वो थोड़ा सा ज्ञान दे इसमें, कॉमेंट्स में ऐड करके लिखिए आप। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा ही मतलब सीधी सी बात है, अगर संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत का क्या मतलब है? इंडिया जो कि भारत है, मतलब जो एक्चुअली भारत है, यही बताया जा रहा है ना उसमें। तो जब यहां पे इतना सीधा सा कर दिया कि इंडिया असल में भारत है, जब आपके संविधान में लिखा हुआ है, तो पता नहीं क्यों घमासान हो रहा है। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं ये लोग, इनकी बातें सुनिए, फिर मैं आगे भी बताता हूँ। अच्छा, इसके पीछे ना एक बहुत ही मैं पहले से थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ आपको, कि जो मुझे लगता है इसके पीछे ना सरकार ने एक, मतलब सरकार क्या बोले, बीजेपी ने, भाजपा ने बहुत ही मतलब तिकड़म लगाई, दिमाग लगाया। अब दिमाग कैसे लगाया मैं आगे बताता हूँ, आप पहले देखो। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रेसिडेंट के एक इनविटेशन कार्ड में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख गया, तो इसको लेकर इतनी हायतौबा क्यों मच गई? अभय दुबे जी, कहां भारत सरकार ये कहने जा रही है कि वो इंडिया शब्द को हटाकर भारत, ये तो सांसदों की अपनी अलग अलग राय है। आपके भी एक सांसद है जिनकी ओर से 2012 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले इतनी हायतौबा क्यों मच गई है भारत शब्द को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय और समूची भारतीय जनता पार्टी अध्ययन नहीं करती। 18 सितंबर 1949 को आर्टिकल 1, जिसमें ये नाम तय हुआ जब भारत के संविधान समिति जब बैठी थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें ये डिबेट हुई कि जब नए भारत वर्ष का, नए शिशु का जन्म हो रहा है, हाँ, तो हमको नामकरण करना चाहिए, और बहुत सारे विचार उसमें आए। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी कि एक एचवी कामत साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जो अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन की भाषा से संबंधित है, क्योंकि वे कहते हैं इंडिया अर्थात भारत ठीक है अडिक थे। देखिए, यहीं पे रुक रहा हूं, खुद ब खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल बैठे हैं इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत नहीं है वो, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, ठीक है। और भाई, कोई अगर ज्यादा जानकार है, ज्यादा विद्वान है, अंग्रेजी भाषा का ज्यादा जिसने पठन या अध्ययन किया है, वो मुझे बताएं, मैं सीखूंगा उनसे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है वो यही है कि ये सेंटेंस अपने आप में बता रहा है कि वहां पे जब ये लाइन ऐड की जा रही थी, ये स्टेटमेंट ऐड किया जा रहा था आर्टिकल वन में, तब ये उनके दिमाग में था कि एक्चुअल जो हमारा देश है वो भारत है, तभी उन्होंने लिखा। और इंडिया शब्द कहां से आया? इंडिया तो अंग्रेजों की देन है, कहीं किसी पुराण, कहीं किसी हमारे पुराने ग्रंथ या कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है इंडिया शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, है? हिंदुस्तान करके एक जगह मेंशन है, भारतवर्ष मेंशन है। तो ये हमारे एक्चुअली देश के नाम हुए, अगर भारत बोल दीजिए, हिंदुस्तान बोल दीजिए, ये हमारे देश के नाम हुए। लेकिन इंडिया तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो ये अंग्रेजों की गुलामी कब तक करनी है हमने? चलिए आगे देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक सेकंड सर, अभय दुबे जी, एक कार्ड ही तो है इन्विटेशन का, सिर्फ उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सिर्फ उस कार्ड में लिखा गया है। एक कार्ड को लेकर विपक्षी इंडिया इतनी ज्यादा हायतौबा क्यों मचा रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, और मैं बताऊंगा आगे चल के क्यों। यहां पे साफ साफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला साफ साफ कि क्यों इतना इनको हायतौबा मच गया। लेकिन ये ना खेला बहुत बड़ा है,
मतलब पूरा ब्रांडिंग का गेम है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे, आगे देखते हैं। एक मिनट चित्रा जी, एक क्षण दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इंडिया से क्या तकलीफ है अगर मेरे भारत के संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने और विशेष रूप से बाबा साहब अंबेडकर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी, लेकिन भारत पर क्या आपत्ति है? अभय जी, भारत पर क्या आपत्ति है? सिर्फ डर बौखलाहट किस तरफ है ये सबके सामने। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और हमारा संविधान भी ये हमें अलाउ करता है कि हम चाहे इंडिया शब्द यूज करें या भारत शब्द यूज करें, दोनों में दोनों की आजादी हमारे पास है। 2016 में 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें भी यही कहा गया कि जिसका जो मन करे वो अपने देश का नाम रख सकता है। तो इसमें कोई बौखलाहट, कोई डर की बात थी ही नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी जब सरकार की तरफ से कोई आदेश आया ही नहीं तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? जहां तक देखिए नाम की बात है, इंडिया नाम रखने से आप नहीं हो जाते हैं देश। आज मैं कहूं कि मैं चित्रा त्रिपाठी हूं तो मैं चित्रा त्रिपाठी नहीं बन जाऊंगी। आपकी फितरत, आप किस तरह का काम करते हैं वो सब के सब जनता के सामने है। और देखा कि मुंबई जो मीटिंग हुई उसके बाद में जो उदयनिधि स्टालिन है उनके स्टेटमेंट को किस तरह से प्रियंका खड़गे जी ने, कार्तिक चिदंबरम जी ने किस तरह से सपोर्ट किया, और केसी वेणुगोपाल जी ने किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसको छोड़ दिया। आप देखिए इस तरह से लगातार हमारे धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट कहे जाते हैं, मुझे लगता है कि मुंबई जो मीटिंग थी उसके अंदर यही डिसाइड हुआ था कि कैसे धर्म के लिए कहा जाए, कैसे सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये वो पार्टी जिन्होंने राम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों को ये लगे कि ये डीरेल हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो भारत शब्द है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति या हमारी पुरानी किताबें या जो भी हमारे ग्रंथ हैं, है ना, उनमें कहीं पे मिलता है। इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये समहाउ ये कमेंट कि हाँ भाई सनातन के अगेंस्ट जो लोग जा रहे हैं, ये वाला जो इनका पॉइंटर है राखी राठौर का, ये मेरे को वैलिड लगता है। ऑल्दो अगर आप डिबेट आगे देखेंगे तो डिबेट में कहीं ये चित्रा त्रिपाठी भी बोल देती हैं कि नहीं नहीं इस पे रहते हैं, उस पे हमने डिबेट कर ली, बट दिस पॉइंट इज वेरी वैलिड। क्यों? क्योंकि आरएसएस का एक निर्देश आया 2 दिन पहले और फटाफट से उसके इम्प्लीमेंट करने में चले गए। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया आजादी की लड़ाई में, और अब ये इंडिया शब्द से, क्योंकि एक हमारा गठबंधन बन गया है जिसका इंडिया नाम है, उसकी बौखलाहट है भाजपा को, और वो ये ऐसा कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत ही वैलिड इन्होंने पकड़ा है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब जो ये बोल रही है वो सही बोल रही है। पहली चीज इन्होंने गलत बोली कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा आजादी की लड़ाई में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरएसएस के योगदान को शायद हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जगह नहीं मिली, वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। संघ एक मतलब यार अभी हमने कोरोना के टाइम में देख चुके हैं हम क्या संघ की असलियत है। लोग कोई कुछ कहे उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मैंने देखा जिस तरह से आरएसएस वाले जो है सेवा कर रहे थे या फूड सप्लाईज वगैरह कर रहे थे, यार वो काम ना बहुतों ने नहीं किया। ये जो जितने देश के रखवाले बनते हैं ना, ये जितने विपक्ष वाले जो जिनको आप इंडिया घमंडिया जो भी बोल रहे हैं, इन लोगों ने क्या ही सेवा की। मतलब सेवा के नाम पे मैंने देखा कि जो आरएसएस वाले हैं वो काफी हद तक मतलब इन सारी चीजों में लगे हुए थे, और फिर मैं नहीं मानता कि ये ऐसा कुछ, मतलब जो जिस टाइप की ये पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं आरएसएस के बारे में उसमें कुछ भी सच्चाई है। बट मेरा ये अपना मानना हो सकता है कोई और आप में से कोई और ना भी मानता हो ऐसा, बताइएगा, जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में, बताइएगा, आंखें खोल दीजिए मेरी। चित्रा जी इनको प्रॉब्लम है बाबा साहब अंबेडकर से जिन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत। देखिए हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये प्रियंका कक्कड़ जी जो है, आप मैं मतलब लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा आप वीडियो देख लीजिएगा। पूरे वीडियो में ये मतलब प्रियंका कक्कड़ जी बोलती रहती है कि बीजेपी जो भाजपा है सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है, ये है वो है फलाना मका। ये स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या निकाल रही है, इंडिया दैट इज भारत, ये इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश भी नहीं कर रही है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, मतलब भारत एक्चुअली वो भारत है, ये उस स्टेटमेंट का मतलब है। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी को कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इसका आ रहा है तो वो मेरे को बताए, मतलब मेरा ज्ञानवर्धन होगा, मुझे सुधार दो आप, ठीक है। आगे चलते हैं।
2010 में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं थे, उन्होंने कहा कि दलित लोग मंदबुद्धि होते हैं, मंदबुद्धि बच्चों की तरह होते हैं। और ये कहां से लेकर आए हैं, इस बात को एंडोर्स करते ये हर जगह है। मैं आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है। ये ना ये केजरीवाल जी की, मतलब माफ कीजिएगा, केजरीवाल जी आजकल मतलब धर दबोच रहे हैं लोगों को, लोगों की शिकायत हो जा रही है, कंप्लेंट हो जा रही है उनके, मतलब एक वो है ना हमारे, अरे पत्रकार जी सुशांत सिन्हा, उनके खिलाफ तो बड़ा उसमें भी आ गया, इनका विधानसभा में भी कुछ प्रस्ताव वस्ताव आ गया है, तो खैर वो खतरनाक हो जाता है कई बार तो। लेकिन देखिए उनकी ना एक कलात्मक चीज है, मतलब एक शैली है अलग। वो क्या कहते हैं, वो झूठ को ना 10 बार बोलते हैं तो कई लोगों को क्या लगने लगता है कि वो झूठ भी सच है। ये वैसा ही कुछ परोसा जा रहा है यहाँ पे। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इनके व्हाट्सएप जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं वहां पे ये डालते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आज तक जैसे चैनल पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि क्या इस न्यूज का क्या सोर्स है। सब जगह है तो आज तक को क्यों नहीं पता है। आप देखिए गूगल कर लीजिए, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है इस बारे में कि दलित बच्चों को लेकर पीएम ने ये डिवाइडेड कर। अच्छा दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, पता नहीं आप शायद इस बात को थोड़ा अलग तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन मोदी अपनी इमेज को लेके बहुत ही केयरफुल रहते हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा वो अपनी इमेज को लेके बहुत ही केयरफुल रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं और मतलब इस लेवल पे आके एक इंसान को बहुत ही सजग रहना चाहिए। वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, सब चीज नोट होता है। आज की मतलब एक जमाना था जब ये शायद इतना वायरल नहीं हो सकता था क्योंकि मीडिया इतनी इस तरह से एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन आज सब है तो आज बहुत तेजी से चीजें वायरल हो जाती हैं। कई आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें मतलब जो आपत्तिजनक है, जिसमें वो कुछ मतलब इतर, एक जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है एक नेता को शो करना चाहिए उससे थोड़ा इतर, भाई इंसान है, हो जाता है ना। इतना सहिष्णु हमको होना चाहिए, इतना इनसेंसिबल नहीं होना चाहिए कि हम गलतियों के चांस ना दें। हमने बहुतों को चांस दिए तो उनको भी चांस है, ऐसा नहीं है। बट मैं द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज कि ये चीजें ना बहुत जल्दी फैलती हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का इतना बड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट वो देके चले जाएंगे, जो कि इनको पता है, प्रियंका कक्कड़ जी को और दुनिया में किसी को नहीं पता। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि झूठ को 100 बार बोलने वाली बात है, झूठ को 100 बार बोलिए तो सच लगने लगता है। इंडिया शब्द की स्वीकार्यता से इतनी दिक्कत क्यों, आप लोग इंटॉलरेंट हो चुके। देखिए अब आगे आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक चीज समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे खेला गया है, खेला यहाँ बहुत डिफरेंट, बिल्कुल अलग है खेला, खेला है ब्रांडिंग का बेसिकली। आप देखिए ना इन्होंने क्या किया, आप स्टेट गवर्नमेंट्स ओन करते हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप स्टेट्स कहाँ कहाँ है इनकी गवर्नमेंट्स, एक राजस्थान में है इनकी गवर्नमेंट, फिर क्या है हिमाचल प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट और भी 2-3 राज्यों में है। तो वहां पे इन्होंने अगर उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया सपोज करिए, उसके उलट ठीक है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है, मतलब ये मेरे को कहने में कोई दुराय नहीं है। आपको मेरे को संगी कहना, आप संगी कह लो, आप मेरे को भक्त कहना चाहते हो भक्त कह लो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अचीवमेंट तो है भाई, नहीं किया है किसी ने ऐसा जितना अचीवमेंट या जितना जितने लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं, उतना तो खैर कोई नहीं कर पाया। तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में मेरे को कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब इन्होंने इनका त्रुप का पत्ता, मतलब आप समझ रहे हो मार्केटिंग जो होती है वो त्रुप का पत्ता ही होता है, मार्केट आप कैसे करके ले जाते हो। इन्होंने शायद कोई बाहर से एजेंसी हायर की है जिसे जो गाइड कर रही है इनको कि कैसे आप राहुल गांधी की इमेज सुधारिए, कैसे इनकी इमेज सुधारिए। देखिए राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मैं भी मानता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा ही उनकी इमेज खराब कर दी गई और इसके लिए भी कैंपेन्स चले होंगे जो हम लोगों को नहीं देख पाते, हम आम आदमी हैं, हम लोगों को वो कैंपेन्स नहीं नजर आते, बट होता है इनके उससे। और आज की डेट में इतनी खराब हो चुके, कुछ कुछ उनका भी हाथ है उसमें खराब करने में, कुछ वो भी ऐसा कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बोल जाते हैं अपने भाषण के दौरान कि लोगों को चीजें बुरी लग जाती हैं, लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, जो भी है ठीक है। तो ये ना एक तरह से इन्होंने मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि ब्रांडिंग का ना बहुत ही इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया,
अब परफॉर्मेंस जैसी भी है, लोग को अच्छी लगी नहीं लगी, इनको भी पता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ये कर ही रहे हैं। अगर ये नेशनल लेवल पे जो है ये सारे गुट मिलके भी ठीक है नरेंद्र मोदी से लड़े तो वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने राज्यों में कुछ ऐसा झंडा नहीं गाड़ दिया जिसको ये बेच सकें। तो मार्केटिंग स्ट्रैटजी इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, हम अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख लें। तो इन्होंने INDIA अपना नाम बना लिया, जो भी उसका फुल फॉर्म किया। खैर तो इन्होंने ना बहुत अच्छी ब्रांडिंग की, मैं उस चीज की दाद दूंगा। मतलब आप खुद सोचिए, अगर एक इंडियन के सामने या एक भारतीय के सामने, अभी इंडिया और भारत पता नहीं क्या रहता है, इंडिया रहता है या भारत रहता है, लेकिन एक भारतीय के सामने अगर आप बोलिए कि जो है भारत जीतेगा या भाजपा, तो क्या बोलेगा? भारत जीतेगा। परफेक्ट ब्रांडिंग, सब चीज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये चीज ना उनको भी दिख गई, भाजपा को भी दिख गई, और इस फैक्टर को ना डिफीट कर पाना थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब दिक्कत वाली बात है। मतलब इसको ये ना मतलब परफॉर्म किया नहीं आपने पूरे टाइम, लेकिन आपने नाम बदल लिया, ठीक है, और नाम ऐसा गजब बदल दिया कि मतलब अब कौन कौन उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, कौन हिंदुस्तानी बोलेगा कि मैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़ा हूं, समझिए ना उस चीज को। तो ये ब्रांडिंग का खेल किया इन्होंने। अब देखिए दो रास्ते हैं कि या तो भाई अपनी किस्मत पे छोड़ दीजिए कि हाँ भाई हमने परफॉर्म किया, लोगों ने देखा, लोग उस चीज को रियलाइज भी करें, लेकिन इमोशन में ना बहें। ये किस्मत होती कि इमोशन में इंसान ना बहे, इमोशन में वो बहेगा ही बहेगा। देशभक्ति ऐसा ऐसी फीलिंग है ना यार, आपको मतलब वो हर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो आप शायद ऐसे नहीं कर पाओगे। तो अब उस फैक्टर को ना डिफीट करने के लिए अब इनके पास दो रास्ते थे, या तो ये इस बात पे छोड़ देते कि भाई लोग कैसे परसीव करते हैं इसे, लोग हमारा काम देख लें या जो भी देख लें, या दूसरा उनके पास ये था कि उसका ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दें। तो यहाँ पे जो खेल चल रहा है ये चल रहा है ब्रांडिंग वर्सेस ब्रांडिंग का, एक ब्रांड इंडिया, एक ब्रांड भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंडिया से शिफ्ट कर रहे हैं ना भारत पे, उससे इनके गठबंधन को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, समझ रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारत जुड़ा ही हुआ है, भारतीय, इसमें क्या है? अगर ये बोलते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत तो है हम, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है, तो ब्रांडिंग से तो डी ब्रांडिंग हो गई इनको। इन अ वे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई कि तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो, या इन अ वे उनके रिप्रेजेंटेटिव, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये खेला बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ये खेला हो रहा है ब्रांडिंग वर्सेस ब्रांडिंग का, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, इनका डर है कि भाई इंडिया अगर एज इट इज हम उसको काउंटर नहीं करते हैं, उसको मतलब ये समझ लो कि हटाते नहीं है अपने जहन से या लोगों के जहन से, तो वो बाद में इश्यू क्रिएट करेगा, चुनाव के समय नुकसान करेगा। तो इसलिए ये पलट के उस पर भारत को सुपीरियर बनाने के लिए डी ब्रांडिंग का इनिशिएटिव ये शायद करना चाह रहे हैं। वही ये डर इन सबको सता रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये एक ब्रांडिंग का गेम खेला था, नेम का गेम खेला था, ये ट्विस्ट लेके आए थे, क्योंकि परफॉर्मेंस पे शायद ये कभी भी बीट नहीं कर पाते भाजपा की सरकार को। तो ये ब्रांडिंग का खेल जो है होता मुझे दिख रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, अपने कॉमेंट्स छोड़िए, बिल्कुल बताइए मुझे, मेरा पर्सपेक्टिव ठीक करिए अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव सही नहीं है, बट मुझे तो ये लगता है कि ये ब्रांडिंग का ही गेम है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताइए, कुछ सुधार की आपको लगता है संभावना है बिल्कुल बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए वीडियो अच्छा लगा, शेयर करिए अपने दोस्तों से, बताइए उनको कि हाँ ऐसा कोई चैनल चल रहा है। चैनल का नाम क्या है? फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। नमस्कार।